मैं रुख करूंगा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी की तरफ। चौधरी जी, डिबेट के पहले राउंड में आपने देखा कांग्रेस ने आपके ऊपर ओपन अटैक कर दिया, कारण क्या है? कारण वही है, शेड्यूल कास्ट वोट की लड़ाई। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अपना आपा खो चुके हैं, पार्टी खो चुके हैं, जनाधार खो चुके हैं, वोट खो चुके हैं, तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे? ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और अपने अनुयायियों को ये कहा था कि इस कांग्रेस के कभी चार आने के मेंबर भी मत बनना। तो कांग्रेस को तो श्राप है बाबा साहब का, ये कभी पनप नहीं सकती। और आज प्रदेश में जो ब्रजलाल खाबरी साहब को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को बनाया है, नकुल दुबे साहब को बनाया है, तो ना इनके पास में अपनी जमीन है, ना नर्सरी है, ना पौधे है, ना बीज है। ये सब जो है उधार के नेताओं से, ये सब हमारे यहाँ के नेता गए हुए हैं और ये कब तक वहां रहेंगे ये पता नहीं है। ये इनके पास में कुछ नहीं है और ये बाबा साहब के श्राप से कभी पनप नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने धोखा दिया दलित समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, इसीलिए ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इसीलिए बताइए कि बसपाइयों की जो टीम लाकर कांग्रेस प्रदेश में बनाई गई है बीजेपी के ऊपर, ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के लोग भी दूध के धुले हुए नहीं है, ना ओबीसी के लिए ना दलितों के लिए। ये केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जब बारी आती है तो बाबा योगी आदित्यनाथ को बनाते हैं। ये धनखड़ साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, लेकिन किसी जाट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो जाट समाज के हैं, जब जाटों ने इनको आईना दिखा दिया और प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, किसान बिल वापस लेने पड़े, तो ये भूपेंद्र चौधरी को निकाल के ले आए, जो ये कह रहे थे कि मुझे तो 8 दिन पहले ही पता चला है कि मैं जाट हूं। ऐसे नेता बनाए हैं इन्होंने जिनको अपनी जाति बताने में भी शर्म आती है, तो ये ब्रजे भूपेंद्र चौधरी जी की क्या वोट ले पाएंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े जाट नेता हैं, बहुजन समाज आप उनसे सिर्फ इसलिए जलते हैं क्योंकि आप भी उसी कम्युनिटी से हैं और अपनी कम्युनिटी के बड़े नेता हैं। जो सबसे बड़ी रहनुमाई करती है वो बीएसपी करती थैंक यू बहन कुमारी मायावती जी करती है। यस अरुण राजभर थैंक यू। चौधरी जी थोड़ा इस राउंड में टाइम कम है, प्लीज प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें। थैंक यू अरुण, ये क्या दुमछल्लावाली बात कही थी उन्होंने। हां वो अपनी बात बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक नहीं पाते हैं कि चार बार सरकार बनाए, एक भी मुसहर के बेटे को सिपाही नहीं बना पाए, और बात दलितों की करते हैं। बात जब खरवार की आती है, बात जब हेला की आती है, बात जब नट की आती है, तब ये दलित नहीं कहलाए जाते हैं। दलित में कौन सा दलित होता है? सिर्फ हरिजन दलित चमार सिर्फ दलित नहीं होता है, दलितों में बहुत सारे दलित हैं जो अति दलित हैं, जिनको बहुजन समाज पार्टी ने चार बार में एक बार भी राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक भागीदारी नहीं है। जब आसिम वकार बोल रहे थे तब आप बड़े व्यग्र थे, आसिम वकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसी भाषा मत बोलो चौधरी जी, चौधरी जी ऐसी भाषा स्वीकार नहीं है, ऐसी भाषा स्वीकार नहीं है, बहुत गलत बात है, ऐसी भाषा स्वीकार नहीं है। तलवे चाटना क्या होता है? चुनाव लड़ जाएंगे, 1000 वोट काट देंगे, ये तलवे चाटना ये होता है कि इनका कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है, ये अपने मतलब के लिए किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। ऐसी भाषा और अपने मतलब के लिए इनको समाज नहीं है। आप चौधरी साहब अपने चरित्र को सुधार लो, आप लोगों के यही चरित्र से कि आज आप एक सीट पर समिट गए हो और पूरे उत्तर प्रदेश के दलित 4% 5% भाजपा के साथ। अरे आपकी कोई हैसियत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं, हम राज्यसभा में भी हैं, हम विधान परिषद में भी हैं, हमारा लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व है, और ये ज्यादा ग्रुप क्या करो, आपको आपकी कोई हैसियत नहीं है। अपना एक सेकंड चौधरी जी रुको, चौधरी जी रुको, एक सेकंड रुको, चौधरी जी रुको।